الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي أني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد कमासलता इब्राहिम व वब्राहाक हमीदुम मजीद अला अल्मबारारारारारारारारिका महम्म महमदिन कमाबारक तब्राहिहीम वाला इब्राहिम मजीद रबी शाहली सदरी वसरली अमरी वाहततम्लिससानी यफ़ाऊ कौली महतरम दादिन कराम बुजुर्गान दीन और मेरी अजीज़ माओ और बहनों भाइयो असलकुम वर हम वबरकू मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफगू के अंदर खुश आमद करता हूँ नाजरीन इंसान को अल्लाह इज़्ज़त ने महताज बनाया है ये अपनी हर ज़रूरत के अंदर जो है वो महताज है जब ये पैदा होता है तो पैदाइश के साथ ही ये अपनी माँ का मोहताज है अगर माँ उसको दूध ना पिलाए और इसको लुकाफ्टर ना करे तो इंसान चंद घंटे भी सरवाइव नहीं कर सकता जापान के अंदर रिसर्च हुई कि जो बच्चे पैदा हुए और उनको उनकी माँओं से दूर कर दिया गया तो थोड़े अरसे में उन बच्चों की सेहत ख़राब होना शुरू हो गई और वो बच्चे इंतहाई दर्जे कमज़ोर हो गए अगर उनको उनकी माओ से ना मिलाया जाता तो वो बच्चे इंतकाल कर जाते हालांकि उनको लुकाफ्टर किया जा रहा था उनको दूध भी पिलाया जा रहा था मतलब हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा था लेकिन सिर्फ़ उनको उनकी माओ से जुदा कर दिया गया था तो लिहाजा नादरीन, इंसान जब पैदा होता है तो वो इतना मजबूर होता है और माँ उसको लुकाफ्टर करती है और उसको पालती है उसका ख़्याल लगती है फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है अब आप देखें कि दो साल का हो गया दूध पीना छोड़ दिया लेकिन उसके बावजूद वो मोहताज है अपने माँ बाप का जब तक बच्चा जो है तकरीबन पंद्रह साल का ना हो जाए उस वक्त तक वो मोहताज रहता है किसका अपने वालदेन का और वरना उसके साथ जो होता है यानी उससे पहले अगर वालिद का इंतकाल हो जाए तो वो यतीम हो जाता है और अगर वाला का इंतकाल हो जाए तो वो मिसकीन हो जाता है बेचारा तो लिहाजा नाजरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को मोहताज बनाया है और इंसान जब बड़ा होता है तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उनको पूरा करने के लिए और अगर कारोबार करता है तो तजारती मामल हैं काश्कारी करता है ज़रात के मामलात हैं दुकानदारी करता है तो तिजारत के और मुलाज़मत करता है तो मुलाजमत के मामलात हैं तो ये सारी चीज़ें हैं उसके साथ फिर उसके और इश्यूज़ हैं उसके ज़ाती इश्यूज़ हैं हेल्थ को लेकर उसके अपने मसाइल हैं फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं ये सारी चीज़ें हैं अब इन सारी चीज़ों के अंदर अल्लाह रबाल्ज़त इंसान को एक बहुत बड़ी ताकत अता करते हैं मुसलमान को खास तौर पर मोमिन को बिलीवर को वह है नाजिन दुआ की ताकत कि अल्लाह इज़्ज़त एक ईमान वाले को जो बहुत बड़ा अल्लाह इज़्ज़त ने सहारा दिया है वो दुआ का सहारा दिया है अल्लाह कुरान पाक में रिशात फ़रमाते हैं वहीदा साल का इबादी अन्नी फ़िन करीब जब मेरे बंदे मुझसे आपसे सवाल करें मेरे बारे में तो फनी करीब तो मैं करीब हूँ उजी मुदावत दाई दादानी फ़लिय जी बोली अब देखें अल्लाह कहता है मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उसका जवाब देता हूँ और अल्लाह करीब है अल्लाह कहता है कि तुम खौफज़दा मत हो तुम परेशान मत हो तुम्हारी जो भी ज़रूरतें हैं जो भी मसाइल हैं तुम पूरी मेहनत करो उनको हल करने की लेकिन साथ साथ जो है वो मुझे अपनी दुआओं में याद रखो मुझसे मांगो और मुझे जो है वो पुकारो और मुझसे सवाल करो मैं तुम्हारी जो है वो पुकार को सुनता हूँ मैं तुम्हारी जो है वो हर ज़रूरत को पूरा कर सकता हूँ और करता हूँ तो लिहाजा जब एक मोमिन में एक बिलीवर्स में एक नॉन बिलीवर्स में बुनियादी फ़र्क ये होता है जो बिलीवर्स होता है जो मोमिन होता है उसका पूरा यानी नुक़ः नज़र किस बात पर होता है अल्लाह की ज़ात पर होता है उसको अपनी क़त बाज़ू पर इतना भरोसा नहीं होता वो कहता है कि ठीक है मुझे हुक्म दिया है काम करो लेकिन इस काम को मुकम्मल कौन करेगा अल्लाह की ज़ात करेगी तो लिहाजा उस उसके अंदर जो है वो किबर पैदा नहीं होता तकबर पैदा नहीं होता और वकला रबनी अजिब्म अल्लाह क्या कहते हैं कि जो वकॉल ररबनी या सजब लकम जब तुम अपने रब से पुका पुकारते हो अपने रब को तो मैं जवाब देता हूँ इन लज़ीन है इस तकबीरून आने इबादती सैद खुलून जहाद आखिरी कि लिहाजा वो लोग जो तकबर करते हैं मेरे बंदों में से देखें एक इंसान है आम तौर पर बहुत सारे लोग होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी क़त बाज़ू पर अपनी काबिलियत पर अपने इल पर भरोसा और यकीन होता है वो कहते हैं हम जो कुछ हासिल करते हैं अपनी काबिलियत से हासिल करते हैं अपने इल्म से हासिल करते हैं हमने अपनी मेहनत से हासिल किया और उसमें वो अल्लाह की फजल को शामिल नहीं करते जैसे कानून के बारे में आता है कि वो कहा करता था कि ये सारा कुछ जो मुझे दिया गया है ये तो मेरे इल्म की वजह से है मेरी काबलीत की वजह से है तो लिहाजा अब जो इंसान ये उसका तर्ज़मल होगा ये उसकी सोच होगी तो यकीनी तौर तो पर उसके अंदर किबर पैदा होगा उसके अंदर तकबर पैदा होगा वो कहेगा कि ये जो कुछ मैंने हासिल किया है मैंने हासिल किया है मैं उसके अंदर आ जाएगी तो अल्लाह ताला कहता है कि देखो जब तुम सारे मामला अपने कर लेते हो और फिर तुम दुआ करते हो कि अल्लाह इस काम के अंदर आप बरकत डाल दें इस काम को आप कर दें तो अल्लाह रबुल्ज़त क्या करते हैं उस काम को कर देते हैं अब आपको यकीन और भरोसा अपनी ज़ात पर नहीं अल्लाह की जात पर होता है इससे आपका यकीन अल्लाह पर बहुत मज़बूत होता है और अल्लाह ताला इस बात से खुश होते हैं अल्लाह ताला कहते हैं कि हाँ ये असल में बिलीवर है मेरा मानने वाला है कि सारी मेहनत इसने की ये ये किसान है काशकार है इसने हल जलाया इसने पानी दिया इसने दाना डाला फिर इसने पूरी खेती की हिफाज़त की और जब खेती तैयार हो गई और दुआ मांगता रहा जब खेती तैयार हो गई तो उसने कहा अल्लाह ये तेरा फ़ज़ल है ये तूने करम किया मेरी क्या औकात मेरी क्या हैसियत मेरी क्या ताकत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर खुश होते हैं देखे नाज़रीन यही फ़र्क होता है इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया दुआ व सलाहुल मोमिन कि दुआ मोमिन का हथियार है क्या मतलब हथियार से इंसान अपनी हिफाजत करता है दुश्मन से और हथियार उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है किस चीज़ की कि भाई तेरे पास जो है वो असला है कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर किसी के पास बंदूक होती है एक आदमी जिसके पास बंदूक हो और सामने सौ लोग होंगे वो लोग भाग जाते हैं अगरचे वो ताकत में उससे ज़्यादा है तादाद में उससे ज़्यादा है लेकिन क्या कि उसके पास जो है वो बंदूक है भाई तो उसके करीब कोई नहीं जा रहा तो लिहाजा इसी तरीके से जो मोमिन दुआओं के ज़रिए से अपनी हिफाज़त करता है तो वो गोया के अल्लाह की हिफाजत में अल्लाह के किले के अंदर है अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बयान किया एक सहाबी के बारे में पता चला कि वो बीमार हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए गए तो देखा वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं ऐसे जैसे एक चूज़ा होता है ना या चिड़िया का बच्चा या चूज़ा बिल्कुल जैसे कमज़ोर हो चुके हैं तो पूछा कि भाई ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है ये तुम तुम्हारी जो हालत हो रही है ये ऐसा तुम तुमने क्या किया या तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कहा या रसुल्ल मैंने ये दुआ मांगता हूँ मैं कि अल्लाह जो तूने आख़रत में आदाब मुझे देना है वो आदाब तू दुनिया में मुझे दे दे अब देखें ये दुआ मांग रहा है ये शख्स तो अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम ने कहा कि भाई आप हैरान हुए आपने कहा कि तुम क्या इतने ताकतवर हो कि क्या तुम आखरत के अजाब को बर्दाश्त कर सकते हो यानी तुम इतने बहादुर इतने ताकतवर हो तो लिहाजा आपने कहा इससे बेहतर तो ये था कि तुम ये दुआ मांगते कि अल्लाह मरबना आती फिर दुनिया हसना वह फिल आखिरत हसन तक कि के अल्लाह तू दुनिया में भी मुझे नेकी फर फरमा और आखरत के अंदर भी और जहन्नम के आदाब से बचा वकीना ना आदाब नार ये जो तीसरा जुमला है तो तुम्हें तो ये दुआ मांगनी चाहिए ये दुआ तुम क्यों मांग रहे हो कि भाई दुनिया के अंदर ये मेरा जो है मामला हो जाए तो इंसान बहुत कमज़ोर है नाजरीन इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता कहीं ख़ुदा न खास्ता कोई कुफ्रिया कलिमात उसने अपने मुँह से निकाल दिए कोई ऐसी आजमाइश के अंदर मुबतला हो गया कि वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता तो खुदा खास्ता उससे कोई और ऐसा काम हो गया जो कुफ्रिया हो तो आप क्या करेगा तो अल्लाह के रसूल ने कितना बेहतरीन आपने फ़रमाया कि इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम मुसिम अहमद लाशात फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन दुआ आपकी तमाम जामे दुआ थी आप जब तक आपकी दुआ मुकम्मल नहीं होती थी जब तक कि आप उसमें रबना आतीना फिर दुनिया हसना व फिल आख़िरती हसना वकी नदाबन नार ना पढ़ लें तो नाज़िर आता है कि उन सहाबी ने ये दुआ पढ़ना शुरू कर दी तो कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए और अल्लाह ने उनको सेहत अता कर दी तो लिहाजा देखें जब उन्होंने ये दुआ मांगना शुरू कर दी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सेहत अता कर दी वो ठीक हो गए तो इसी तरीके से अगर हम पर कोई परेशानियां हैं कोई मुसीबतें हैं कोई बीमारी है कोई माली परेशानी है कोई ख़ानदानी है कोई जानी अगर रिश्तों के जिस भी हवाले से किसी मसले के अंदर हम मुब्तला हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो क्या है रबना आतीना फिर दुनिया हसना व आखिरती हसनता वकीना अदाबंदा ए अल्लाह तू मुझे दुनिया भी अच्छी कर दे रबना आतीना फिर दुनिया हसना ए अल्लाह तो दुनिया में मुझे हसना अता फ़रमाइए हसना क्या चीज़ है नाजरीन हसना का फफहोम इसके माने का मफोम बड़ा वसी है ये हर भलाई को हर खैर को और हर नेकी को ये लफ्ज़ शामिल है यानी हर किस्म की भलाई खैर आफियत नेकी, बरकत नेमत, सारी की सारी नेमतें इसमें आ जाती हैं कि अल्लाह तू रब बना आतना फिर दुनिया हसना? ए अल्लाह तू मुझे मेरी दुनिया को अच्छा कर दे मुझे दुनिया में नेकी अता फरमा अब एक इंसान देखें नौजवान है रिश्ता ढूंढ रहा है कोई लड़का है कोई लड़की हैलमा कहते हैं कि जब वो ये दुआ मांगता है रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना तो इससे नीयत ये करता है कि अल्लाह तू मुझे नेक साल औरत नेक नाल मर्द अता फ़रमा अच्छा मर्द अच्छी औरत अ फ़रमा अच्छा शोहर अच्छी बीवी अता फ़रमा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इस दुआ को कबूल फ़रमाते हैं एक इंसान अगर बीमार है तो वो ये दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसको सेहत अता फ़रमाते हैं अगर एक इंसान जो है तंगदस्त है जब वो ये दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसको माल अता फ़रमाते हैं उसको उसको गनी कर देते हैं जो भी ज़रूरत है आप इस दुआ को इख्तियार कर लें ये जाम दुआ है अल्लाह ताला आपको दुनिया के अंदर वो चीज़ अता कर देंगे अगर वो आपके लिए खैर है देखें हमारा मसला ये है कि हमें आने वाले कल का पता नहीं कि क्या चीज़ मेरे लिए खैर है क्या चीज़ मेरे लिए शर है अब एक शख्स है उसका बच्चा जिद करता है और रोता है कि भाई मुझे मोटरसाइकिल लेके दो अब वो कहता है कि नहीं बेटा मोटरसाइकिल जो है तुम्हारी उम्र छोटी है अभी तुम मोटरसाइकिल नहीं अभी तुम साइकिल चलाओ तुम्हारी उम्र साइकिल चलाने की है मोटरसाइकिल चलाने की नहीं है अब वो जिद कर रहा है रो रहा है अब देखें उसके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि एक बच्चा रो रहा है चीख रहा है चिल्ला रहा है बाप से मांग रहा है कुछ बाप उसको नहीं दे रहा अब देखने वाले तो ये समझ रहे हैं कि बाप बड़ा जालिम है कि देखो उसका बच्चा रो रो के बुरा हाल हो गया उसका लेकिन वो उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा लेकिन लोगों को तो नहीं पता जब लोगों को पता चलता है तो लोग उस बच्चे को क्या कहते हैं कि नहीं तुम्हारा वालिद ठीक कह रहा है क्या अभी तुम्हारी उम्र मोटरसाइकिल चलाने की नहीं साइकिल चलाने की है क्योंकि तुम्हें अगर अभी मोटरसाइकिल लेके दे दी तो तुम तुम्हारा उससे हादसा हो जाएगा उससे तुम्हारा तुम्हें नुकसान होगा तुम्हारी टांग टूट जाएगी या तुम्हें आम तौर पे आप देखें ना पाकिस्तान में क्या होता है अक्सर देखा यह गया है कि मोटरसाइकिल से गिर के लोगों की टाँगें टूट जाती हैं और लोग जो है वो क्या हो जाते हैं लोग जख्मी हो जाते हैं बहुत सारे नौजवान जो है वो इंतकाल भी कर जाते हैं तो लिहाजा आप जब लोगों को पता चलेगा तो लोग कहेंगे नहीं वालिद ठीक है इसी तरीके से हम अल्लाह के सामने रो रहे हैं और मांग रहे हैं अल्लाह से लेकिन अल्लाह को पता है नहीं इस वक्त में ये चीज़ इसके लिए मुनासिब नहीं है जब होगी जब दूंगा और कहते हैं दुआ की तीन हालतें होती हैं एक तो ये कि वो अल्लाह ताला कबूल कर लेता जो इंसान मांग रहा होता वही चीज़ उसको मिल जाती है और दूसरा ये कि अल्लाह ताला उस वक्त के अंदर तो वो चीज़ मुनासब नहीं होती थोड़े अरसे बाद उसको दे देते हैं या अल्लाह ताला उससे बेहतर चीज़ अता कर देते हैं तीसरी चीज़ क्या है कि अगर वो चीज़ उसके लिए मुनासब नहीं है तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में नहीं देते आखरत में उसके लिए उसके बकदर अजर लिख देते हैं इसलिए आता है कि एक इंसान जब आखिरत में जाएगा और जब उसका अमाल नामा उसको पेश किया जाएगा तो उसका अमाल नामा जो है वो पहाड़ जितना होगा बड़े बड़े रजिस्टर्ड भरे हुए होंगे नेकियों से तो कहेगा गए अल्लाह ये सारे अमाल ये सारी नकियाँ तो मैंने नहीं की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे ये तेरी वो दुआएँ हैं जो दुनिया के अंदर तू मांगा करता था जिनको मैंने कबूल नहीं किया तो लिहाजा नाज़रीन रब बना आतना फिर दुनिया हसना ये दुआ मांगें अपनी दुआओं में इसको शामिल कर लें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दुआ के अंदर इस दुआ को ज़रूर मांगा करते थे इसीलिए जब हम जाते हैं मैतल्ल और तवाफ़ करते हैं तो तवाफ़ करते हुए रुकने यमानी और हजर असवद के दरमियान हम यही दुआ मांगते हैं रबना आती फिद दुनिया हसना आखिरति हसना तो वकीना अदाबनार और ये दुआ एक और रिवायत में अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना के साथ भी आई है तो रबना के साथ भी और अल्लाहुम्मा आतिना के साथ भी आप इस दुआ को मांग सकते हैं तो फिर क्या दुनिया के अंदर भी अल्लाह नेकी अता फरमा आखरत के अंदर भी नेकी अता फरमा आखरत की नेकी क्या है देखें आम तौर पर पहले मैं बता दूँ दुनिया के अंदर वो इंसान खुश नसीब है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर एक शख्स है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको एक अच्छी नेक साले बीवी दे दी है और इसी तरह से एक औरत को नेक साले मर्द अता कर दिया है शौहर दे दिया है और इसी तरीके से अगर अल्लाह ताला ने एक शख़्स को उसका आफ़ियत वाला घर है हवादार घर है इतना बड़ा घर है कि उसके अंदर मेहमान आ सकते हैं ठहर सकते हैं और वो घर जो है अच्छी जगह पे है मस्जिद के करीब है और इसी तरीके से तीसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शख़्स को ऐसी सवारी दी है जो सवारी उसको तंग नहीं करती ख़राब नहीं होती जैसे आजकल के दौर में एक अच्छी सवारी अच्छी गाड़ी उसके पास है तो ये शख्स जो है वो खुशनसीब है ये ईमान वाला शख्स दुनियावी एबार से अब इसको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि ये कंप्लेन करे कि अल्लाह इज़्ज़त ने इसको क्या किया अल्लाह ताला ने इसको नेक साले जो इसका जो पार्टनर है वो भी अल्लाह ने दे दिया इसको और अल्लाह ने इसको घर भी दे दिया अल्लाह ने इसको सवारी भी दे दी और बाकी रिस्क का क्या है देखें खाना तो अल्लाह इज़्ज़त जो है वो जानवरों को भी देता है परिंदों को भी देता है कुरान कहता है वक़ाई मिन ला मंदबिन तमस्खा अल्लाह व्याखुम कि कितने ही चौपाए और जानवर ऐसे हैं जो अपने ऊपर रिस्क को लाद कर फिरते नहीं है अल्लाह यर् रुकूआवयाकुम अल्लाह ताला उनको भी रज देता है अल्लाह ताला तुम्हें भी रिस्क देगा तो इंसान की खुशनसीबी है दुनियावी एतबार से अल्लाह ने उसको हसन अता कर दिया और फिर इसको और वसी कर लें कि भाई मैं तो एक मख्तसरा आपको बता रहा हूँ ना आज हमारा जो मामला है हमारी जो ख्वाहिशात हैं हमारी जो दौड़ है वो ये एक बीवी एक घर और एक सवारी की नहीं है आज जो है वो तो आप देख लें कि सारे मामलात ही ख़राब हैं अगर ज़्यादा पैसा आ जाता है ज़्यादा ताकत आ जाती है ज़्यादा जो है वो शहरत मिल जाती है तो फिर एक बीवी पे गुजारा तो नहीं होता फिर तो वो कहता है कि भाई दूसरी हो तीसरी हो चौथी हो इसी तरीके से जो है वो एक घर पे तो लोग रहना एक घर के अंदर है एक बेडरूम में एक बेड पे सोना है लेकिन चाहिए कई घर चाहिए बड़े बड़े घर चाहिए हर शहर पे चाहिए सारे झगड़ा इसी बात का है कि बड़े बड़े मकानात पैलेसेस बनाने हैं फिर एक सवारी नहीं चाहिए कई कई सवारियाँ चाहिए तो लिहाजा ये तो ख्वाहिशात की जंग है ये सारा मसला तो ख्वाहिशात का है और ख्वाहिशात तो इंसान की पूरी नहीं हो सकती नाजरीन अगर एक मर्द को पूरी दुनिया की औरतें दे दी जाएं और एक औरत ना दी जाए यानी सारी औरतें उसको दे दी जाएं कि भाई ये सब तेरी बीवियां हैं और एक औरत रह जाए जो उसकी बीवी ना हो तो मर्द का तो मसला ये है कि वो ख्वाहिश करेगा कि यह औरत भी मुझे मिल जाए ये क्यों नहीं मुझे मिली तो ख्वाहिश तो ख़त्म नहीं हो सकती इसी तरीके से जो है वो अगर हदीस में आता है कि इस दुनिया से कदर तीन गुना और दुनिया हो और वो किसी शख्स को भी दे दी जाए तो फिर भी वो तमन्ना करेगा कुछ और चाहिए हलमिन मजीद और चाहिए तो इंसान का जो पेट है वो तो आखिरत में ही भरा जाएगा दुनिया में तो नहीं भर सकता तो लिहाजा अब जो ख्वाहिशात हैं ख्वाहिशात का मसला बड़ा ख़तरनाक है और मैं और आप हम सब जो है इस वक्त अपनी बका की जंग नहीं लड़ रहे हम ज़रूरत के लिए नहीं जी रहे हम तो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जी रहे हैं तो अल्लाह के रसुल्लाशात फरमाया कि रब बना आती ना दुनिया हसना कि अल्लाह ताला से जो है वो दुनिया के अंदर क्या मांगो नेकी मांगो खैर मांगो आफियत मांगो भलाई मांगो एक पुरसकून ज़िंदगी मांगो और पुरसकून जिंदगी किसके अंदर है नाज़रीन पुसकून ज़िंदगी वो अल्लाह के दीन के अंदर है आज जो हमारे जिंदगियों में बेचैनी है परेशानी है डिप्रेशन है एंगजाइटी है और दुनिया की हर नेमत होने के बावजूद हम खुश नहीं हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम अल्लाह से दूर हैं अगर हम अल्लाह की देखें अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उन पर हम अगर शुक्र अदा करें तो इंसान के पास अल्लाह ताला वो पूरी पैदाइश से लेके मौत तक इंसान अपना तजिया करे जायज़ा करे तो अल्लाह के कितने इनामात हैं उसके ऊपर कितना करम है उसके ऊपर सारी ज़िंदगी वो सजदा शुक्र अदा करे तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता तो अल्लाह ताला ने हमें हम पर इतना करम फरमाया तो इंसान पुरसकून आदमी कौन है पुरसकून आदमी वो है जो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लेता है जो ख्वाहिशात की जो जो लड़ाई है दौड़ है उसमें से निकल जाता है कहता है मुझे नहीं लड़ना ये जंग मेरी नहीं है ये ख्वाहिशात की जंग मुझे नहीं लड़नी तो जब जाके इंसान क्या होता है उसको उसको सुकून मिलता है वो उसको उसका उसको अल्लाह ताला चैन अता करते हैं तो रब बना आती ना दुनिया आसना व फ़िल आखिरत ही आसना और अल्लाह तो हमें आखिरत के अंदर भी भलाई अता फ़रमा नेकी अता फरमा और देखें नाजरीन आखरत की भलाई क्या है आख़रत की भलाई ये है फ़मन जुह जी आनिनार व व व जन्नत फ़कत फ़ाज़ कि जिसको अल्लाह रबालत ने जहन्नम की आग से बचा लिया विलल जन्नता और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया फ़कत फ़ाज़ अब ये शख्स जो है वो कामयाब है तो अल्लाह आखरत भी बेहतर कर दे अब आखरत बेहतर हो जाए तो इंसान को क्या चाहिए हमेशा हमेशा की कामयाबी मिल जाएगी और फिर क्या वकीना अदाबनार खास तौर पे अलग से बयान किया वकीना अदाबंद के अल्लाह तो हम सब को जहन्नम की आग से बचा हमें जहन्नम की आग से बचा नाजरीन ये खास तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लाम ने इसका तस्कर किया कि जहनम से अल्लाह तो हमें बचा ले क्योंकि जहन्म जो है वो अल्लाह की नाराज़गी का मकाम है अल्लाह जिनसे नाराज़ होगा अल्लाह ताला उनको जहन्नम में दाखिल कर देगा तो लिहाजा इसलिए हम दुआ करते हैं अल्लाहमन असल कर रहा कवल जन्ना ए हम आपसे सवाल करते हैं कि आप हमसे राज़ी हो जाए और आप हमें जन्नत अता करें व नावू भी कमिनसख़ती का वनार और एल्ला हम आपकी पना में आते हैं कि आप हमसे यानी इस बात की पना हासिल करते हैं कि आप हमसे नाराज़ ना हो और आप हमें हम जहन्नम से पना हासिल करते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम जो है वो नहीं चाहिए तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लाशात फरमाया कि देखो कि चार चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो उसका सवाल करो मांगो अल्लाह ताला से क्या कि पना मांगो वो क्या चीज़ें अल्लाह मना नाउदिन आदा बि जहन्नम एल्ला हम आपकी पना में आते हैं जहन्नम के आदाब से कि जहन्नम जहन्नम से पना मांगते हैं अल्लाह तो हमें जहन्नम ना अता करियो ए व नाउ बिकमिन ए अल्लाह हम अदाब कब्र से जो है वो क्या करते हैं आपसे आपकी पनाह में आते हैं कि हमें आदाब कब्र से बचा ले व नाऊ बिकमिन सख्त कमार और अल्लाह हम आपकी नाराज़गी से और आ जहन्नम से जो है वह पना मांगते हैं व नाऊज बिकम इन फिना वालमात और ए अल्लाह जो मौत का फ़ितना है और जो ज़िंदगी का फ़ितना है अल्लाह हम उससे भी पना मांगते हैं व नाउ बिकमिन मसीह दज्जाल और ए अल्लाह हम मसीह दज्जाल की जो दज्जाल का जो इतना बड़ा फितना है उस फितने से भी ये अल्लाह हम पनाह हासिल करते हैं कि आप हमारी हिफाजत फरमा दीजिए उस फितने से भी तो लिहाजा नाजरीन ये सारी चीज़ें असल चीज़ें ये हैं अल्लाह से मांगने की कि अल्लाह तू हम सब पर अपने करम का तो अल्लाह हम पर अपने फ़जल का मामला फरमा हजरत ऊस्मान रजीर अल्लाह तुम के बारे में आता है नाजरीन कि जब वो कब्रस्तान जाया करते थे तो जारो कतार रोया करते थे और ये हज़रत उस्मान हैं हज़रत उस्मान और हज़रत उस्मान कौन है सबसे पहली फजीलत सहाबी रसूल हैं ये बहुत बड़ा मकाम है और दूसरी फजीलत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं और तीसरी फजीलत जो किसी भी शख्स को दुनिया में हासिल नहीं हुई कि नबी की दो बेटियां उनके निकाह में न और चौथी खुलफाए राशिदीन में से हैं और पाँचवीं आश्र मुबर हैं आशर मुबर और छठी के जिनकी मौत की ख़बर पे अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने बैत रिवा बत शजरा यानी जो दरख्त के नीचे बैत की थी इनका बदला लेने पे कई फज़ाइल हैं हजरत स्मान रजी अल्लाह के और जिनके बारे में है कि आशर मुबर यानी उन दस सहाबा में से हैं जिनको दुनिया के अंदर इस बात की बशारत दी गई कि ये जन्नती हैं जब वो कब्रस्तान जाया करते थे तो जारो कतार रोया करते थे इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक जो है आपके आंसुओं से तर हो जाती थी तो लोग कहा करते थे उस्मान आप तो इतनी बड़ी शख्सियत हैं इतने इतना बड़ा ऊंचा मकाम आपका और आप कब्रस्तान में आपकी ये हालत होती है तो आप क्या शायद फरमाया करते थे देखो कि देखो कब्र आखरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है अगर ये ठीक हो गई तो सारे मामल ठीक हो गए अगर ये ख़राब हो गए तो सारे मामला ख़राब हो गए लिहाजा नाजरीन कब्र क्या है मिन रियाज़िल जन्ना व मिन जन्न हफरतिन नार के जहन जन्नत के बाग़ों में से एक बाग है या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है तो लिहाजा अल्लाह ताला से आप दुआ मांगें मैं भी दुआ मांगूँ हमेशा देखें दुआ जो है वह इंसान को नफ़ा देती है दुआ से इंसान को क्या होता है अल्लाह पर उसका यकीन और बढ़ जाता है और अल्लाह पर उसका भरोसा और बढ़ जाता है और इंसान इस बात का इजहार करता है कि अल्लाह मैं तो तेरा बंदा हूँ मैं कमज़ोर हूँ मेरे अंदर जितनी इस्तात थी मेरे अंदर जितनी ताकत थी मेरे अंदर जितनी सलाहियत थी मैंने वो सारी सलाहियत वो सारी ताकत इस्तेमाल करके इस काम को कर लिया ए अल्लाह अब तेरा काम है कि तू इस काम को मुकम्मल कर दे इस काम को जो है पाए तकमील तक पहुँचा इस काम में बरकत फरमा तो नाजिन अल्लाह रब्बुल रब इज़्ज़त फिर उस काम को जो है पाए तकमील तक भी पहुँचाते हैं और फिर क्या है कि जब इंसान दुआ मांगता है देखें अल्लाह की ज़ात खुश होती है अल्लाह खुश होते हैं क्यों कि बंदा अपने आजिज़ होने का इजहार कर रहा है बंदा किस बात का इज़हार कर रहा है कि इंसान जब हाथ उठाता है दुआ मांग रहा होता है गिड़गिड़ा रहा होता है तो वो किस बात का इजहार कर रहा होता है वो इस बात का इजहार कर रहा होता है कि अल्लाह तू मेरा माबूद है तू खालिक है तू मालिक है तू ही देने वाला है मैं तो तेरा एक अदनासा बंदा हूँ और बस मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ तो इंसान किस बात का इजहार कर रहा होता है अपनी बंदगी का अपनी आबदीयत का इज़हार कर रहा होता है और अल्लाह ताला को ये बात बहुत ज़्यादा महबूब है पसंद है कि बंदा अपने आप को इस बात का इजहार कर रहा है कि मैं तेरा बंदा हूँ तू मेरा रब है लिहाजा नाजरीन ये कम बात नहीं है तो अ दुआ उमा यंज़िल वीमा अलम यंज़िल और दुआ इंसान को फ़ायदा देती है हर हाल में फ़ायदा देती है जो मुसीबत नाजिल हो गई उसके लिए भी और जो नहीं नाजिल हुई उसके लिए भी क्या मतलब जो नाजिल हो चुकी है अल्लाह ताला उसकी शिद्दत को ख़त्म कर देगा उस परेशानी को ख़त्म कर उसका असर ख़त्म कर देगा बड़ा मसला हो गया लेकिन इंसान ठीक है उसको इतनी घबराहट नहीं हो रही कुछ लोग होते हैं छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं अल्लाह ताला उसको ये मकाम अता कर देंगे कि बड़े से बड़ा मामला हो जाएगा वो परेशान नहीं होगा और अल्लाह ताला उस परेशानी को जल्दी से दूर कर देंगे वो भी माँ यंज़िल और जो मसाइल जो परेशानियाँ आफतें नाजिल नहीं हुई अल्लाह ताला दुआ की बरकत से क्या करेंगे अल्लाह ताला उसको दूर कर देंगे तो लिहाजा नाजरीन ये दुआ अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ा हथियार अता फरमाया है और दुआओं से अपने बीमारों की बीमारियों का इलाज करवाएँ बीमारों का इलाज करवाएँ और सदक़े के जरिए से अपनी हिफाजत करें अल्लाह ताला मुझे आपको हम सब का वामल करने की तोफ़ी कता फ़माए वावाना अनिलहमदिल्लाबीन नाजन हमें ब्रेक की तरफ जाना इनशाला ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं रसल रिम्स वरम वर्क नादिन ने अक्रमलल फरमाया कि एक शख्स देखें नीयतों का जो होता है ना कि नीयत का कितना मदार होता है इंसान के मामलत के ऊपर कितना अमल दखल होता है फरमाया एक शख्स है उसने घोड़ा पाला हुआ है अब वो घोड़ा उसने जिहाद के लिए अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए दावत तबलीग के लिए रखा हुआ है अब उसको जो खिला रहा है जो वह घास खा रहा है उसके ऊपर और जो वो उसको लुक आफ्टर कर रहा है उसके ऊपर और अगर वो उसमें कहीं फिरता है उसके हर कदम पर कहीं आ, किसी नहर पे तालाब पे जाता है पानी पीता है तो उसके हर घूट पर उसको जो है वो नेकी मिलती है देखिए घोड़ा तो उसने रखा हुआ हो सकता है वो उस घोड़े से अपनी ज़रूरत भी पूरी करता है उस पर सवारी भी करता होगा उसको अपनी ज़रूरत के लिए भी लाता है लेकिन नीयत क्या है उसकी उसकी नीत यह है कि भाई इसको मैं इस्तेमाल करूँगा दूसरा शख्स ये तो उसके लिए क्या हो गया नमत बन गया अभी सवारी है और एक दुनियावी चीज़ ही है लेकिन अल्लाह ताला ने उसके लिए उसको नेमत बना दिया उसकी नीयत यह है इसी तरीके से एक शख्स है उसने घोड़ा रखा हुआ है कि भाई वो घोड़ा जो है वो उसके उसकी ज़रूरत को पूरा करता है वो उसके ज़रिए से कारोबार करता है ये करता है तो ठीक है उसकी और कोई उसकी कोई और नीयत नहीं है तो ठीक है ये घोड़ा भी उसको फ़ायदा दे रहा है और तीसरा शख्स वो है कि जिसने घोड़ा रखा हुआ है लेकिन उससे क्या करता है उससे उस, उस पर सवार होता है तकबर करता है उसके अंदर फ़खर आ जाता है उसको गलत कामों में इस्तेमाल करता है अब ये उसके लिए वबाल बन गया इसी तरीके से नाजन दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे आपको हम सब को जो भी नेमतें दी हैं चाहे वो सवारी की हो, पैसे की हो शोहरत की हो, ओहदा हो हर चीज़ जो भी है उस पर हम नीयत ये कर लें कि भाई इन सारी चीज़ों को हम अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करेंगे अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल करेंगे मुसलमानों की खिदत के लिए इस्तेमाल करेंगे इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करेंगे आखरत के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे अगरचे हम दौलत से भी फायदा उठा रहे होते हैं घर से भी उठा रहे होते हैं सवारी से भी अहदे से भी शोर हर चीज़ से उठाते हैं लेकिन अगर हमारी नीयत ये होगी तो ये सारी चीज़ें क्या होगा हमारे लिए बाय से नजात हो जाएंगी और अल्लाह ताला इसको बाय से मगफरत बनाएगा हमें इस पर अजर अता करेगा

फिर बाद में उड़ती हूँ कि मैंने सुना है चैनल पे सुना है मौलाना साहब से कि फजर की नमाज पढ़ के सोना नहीं चाहिए है ना तो बाद में अगर शराब की नमाज पढ़ के सो जाए तो ठीक है फजर की नमाज पढ़ के नहीं सोना चाहिए मैं तो मुंह में नहीं सो जाती हूँ क्या इससे मुझे गुनाह मिलेगा वैसे तो आजकल तो मैं भी सो जाता हूँ पता नहीं उन मौलाना साहब ने क्या सोच के कह दिया जी

बड़ी खुशी होती है ये सुन के जी जी। तो आपका रेगुलर प्रोग्राम हम सुनते हैं देखते हैं जी। तो अल्लाह ताला आपको इसका जिजा दे रिक्वेस्ट तो करनी है अगर आप थोड़ा सा टाइम हो जाए आपके पास जी जी आ, मैंने कल टेलीविजन देखा है डेली डेली पाकिस्तान ठीक है तो उसमें एक लड़की देखी है वो मिस्त्रियों मजदूरों के साथ मजदूरी कर रही है बेचारी इतें फेंक रही है बहुत मजबूर थी लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं बिला रही ठीक है तो मैं ये चाहता था कि अगर आप उसकी कोई इंक्वायरी करके अगर आपकी चैरिटी जो है जी उसकी किसी तरीके से कोई मदद कर सकती हो तो अच्छा चले उसको उसको हम देखेंगे जी मैं भी आपने जो प्रोग्राम का नाम बताया है तो मैं भी उसको सर्च करता हूँ जी ठीक है जी बहुत शुक्रिया जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं वाले जी जी आपसे एक सवाल है मैं के सिलसिले में जी जी ये सवाल ये है ना कि हम लोग अपने मुल्क में भी कुर्बानी करवाते हैं इसलिए कि वहाँ गरीब ज्यादा है थोड़ा ये है तो आजकल कोरोना की वजह से वहाँ कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा कि करना करेंगे हम लोग तो क्या किया जाए उस सिलसिले में जो पैसा बनता है वो गरीबों को दे सकते हैं वही पैसा चले ठीक है मैं मैं बताता हूँ हाँ बड़ी मेहरबानी हो Next call लेते हैं. अस्सलाम। जी जी जी. जी मैं ये पूछना था कि जब हम ये इशराक चाश्त नमाज पढ़ते हैं तो हमें वो नमाज का उस वक़्त का नाम लेना जरूरी होता है इशराक तो. या जब नफल पढ़ते चलें ठीक है हूं जब के लिए अपने वाले नफल पढ़ते है तो हम कहते हैं इसाले तो उसमें हमारे सास ससुर भी आ जाते हैं उनके लिए अलग से अपड़ा कर वो भी तो वालदा है चले ठीक है मैं बताता हूँ ठीक है जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं असला वाले जी, हाँ जी जी, जी फरमाएं जी अच्छा आ, मैंने एक, एक क्वेश्चन पूछना था कि द्रूद शरीफ पढ़ने के लिए बावजू होना जरूरी है कि नहीं चलें ठीक है और कोई सवाल है आपका मेरा नाम मसूद मलिक चलें ठीक है आ, मैं बताता हूँ जी ठीक अच्छा, है। अच्छा, नंबर दो दूसरे दूसरा जो है वो ये है कि सूरा काफ में है ना कि जो सब हो कबला तुलु शम से कबला गुरु ब्या जी 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 तो, अच्छा तो वो कौन सी बेहतरीन तस्वीर है चलें ठीक है मैं बताता हूँ ठीक है

नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी सलाम कैसे मोलाना मैं ठीक हूँ आप ठीक है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है हम सब घर वाले बैठ के सुनते हैं बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम और आज दुआ के लिए कहना था आज दुआ करेंगे तो फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा तो मेरा पोता आपसे बात करना चाहता है आपसे बहुत वो कहता है मुझे बात करनी बहुत तंग करता है

जी अच्छा माशाल्लाह याया आप बहुत हा? प्यारे बच्चे हो और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़मान में रखे अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए और आपको अपने वालदान का फरमाबरदार बनाए उनकी आंखों की ठंडक बनाए अल्लाह आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और आपके वाले को बुज़ुर्गों को आपकी खुशियाँ देखना नसीब करे ठीक है याया मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा और इंशाल्लाह मैं आपसे एक दिन ज़रूर मिलूँगा भी ठीक है बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जजाकुमल्ला नेक्स्ट कॉल लेते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब ठीक हो हाउ आर यू टुडे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी वेरी गुड आंसर यू गिव यू नो फर्स्ट आई वुड लाइक टू अबाउट रिगार्डिंग दैट गर्ल यू नो दैट यू गोना बी बट आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट योर सीईओ यू नो एट द एज ऑफ 40 योर पोजीशन आई वाज रीडिंग अबाउट हिम ए वन सिंपल क्वेश्चन

गुजारिश है कि मेरे वालदेन फ़ोत हो चुके हैं तो मैं उनके लिए कुर्बानी करना चाहता हूँ कुर्बानी के पैसे आपको किस तरह भेजूँ नंबर एक नंबर दो ये इसमें हजूबा सल्लम का नाम भी होता है ना मतलब जब मैं अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी की जाती सकती चलें ठीक है मैं बताता हूँ और हमारी जो है ना उमा चैरिटी की हमारे मैं इन श्राइडे को साढ़े सात से इन शाढ़े ग्यारह तक यहाँ हूँ प्रोग्राम में भी आप उसमें भी कॉल कर सकते हैं कुर्बानी के हवाले से इंशाल्लाह हम अपील करेंगे और हमारी चैरिटी का नंबर आप ले लें उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं ठीक है जी मैं बताता हूँ बहुत शुक्रिया नेक्स्ट कॉल लेते हैं वालेकुम मुफ्ती साहब हैं जी 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 अच्छा मुफ्ती साहब मैंने आगे भी क्वेश्चन पूछा है तो फिर लाइन कट गई थी क्या शरीफ पढ़ने के लिए बाबू होना जरूरी है हाँ उसका जवाब अभी मैं देता हूँ अच्छा नंबर दो नंबर दो जी के सुरा काफ है जी जी वो आपने ब... बताया कबला, कबला आ, दिया। तो कौन सी आप उसके लिए रिकमेंड करेंगे वो भी मैं बताता हूँ जवाब जब दूंगा इंशाल्लाह ठीक है तो अभी अभी मैं मैं जवाब देता हूँ ना अभी कॉल खत्म कर लें फिर जवाब देता हूँ ठीक है जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का तो लगता है अच्छा और दो कॉले और ले लें मुफ्ती साहब वाले वरम्बर मैंने कुर्बानी के हवाले से एक बात करनी थी कि जैसे आपने कहा था कि पाउंड एक बंदे का हिस्सा हो तो उसे कुर्बानी हो जाती है और अगर आप पूरा जानवर की इकता रखते हो और मेरे पेरेंट्स की वफ़ात हो गए तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ की एक हिस्सा अपने फादर का और अगर मेरे बहन भाई कुर्बानी नहीं दे सकते तो उनके नाम का मैं करके तो एक जानवर पूरा दे सकती हूँ

जी जी एक्चुअली ना मैंने पूछना ये है कि मेरे जो है ना uh, हस्बैंड वो पाकिस्तान में होते हैं मैं यहाँ तो हमारी अलहदगी को पांच साल हो चुके हैं और हालात और ताल्लुक भी ऐसे रहे हैं कि जैसे वो uh, मजीद कुछ ऐसा नहीं है कि बन, बन सकती है ना रहा भी नहीं था हमारा

अच्छा देखें जिन्होंने भी कहा है वो सही नहीं कहा और ऐसा तो हरगिज़ नहीं है कि भाई फजर की नमाज़ पढ़ के आज कल तो वैसे ही जो है सुबह तकरीबन देखें ना कोई तीन बजे के करीब फजर होती है तो फजर पढ़ के अब क्या जागते रहेंगे शराख तक तो फिर तो अगर कोई आदमी सो जाता है तो बिल्कुल ठीक है शरी तौर पर इजाज़त है सोने की कोई ममानियत नहीं है और कोई हराम काम और कोई गुनाह का काम नहीं है ये लोगों को चाहिए भाई ज़रूर की ज़िंदगी मैं तो हैरान हूँ ऐसे से पता नहीं वो आलिम भी है नहीं है लोगों को जो है ना देखें यस सरु वाला तो आज स़िर हदीस में आता है कि ने फरमाया लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो मुश्किल पैदा मत करो दीन को इतना मुश्किल ना करें कि लोग जो है वो कहें कि भाई ठीक है फिर हमने ये तो हमारा काम नहीं है हम तो कर ही नहीं सकते हमारे अंदर तो ताक़त ही नहीं है भाई हम क्या कर सकते हैं तो लिहाजा आसानी वाला मामला हो तो बाकी ये पता नहीं कहाँ से ले आए कि जी सोना मना है फजर के बाद बिल्कुल आप सो सकते हैं जी ठीक है और बाक़ी कुर्बानी के हवाले से कि उन्होंने कहा कि जी आजकल तो जो जिनको हम जिनसे करवाते थे उन्होंने कहा जी कोरोना वायरस से अल्लाह उस वजह से हम तो नहीं कर सकते तो अब क्या करें क्या रकम उसकी सदका कर दें देखें रकम सदका करना बड़ी अच्छी बात है लेकिन कुर्बानी एक जो वाजिब अमल है जिसके ऊपर लाजमी है उसने कुर्बानी करनी है अगर वो कुर्बानी नहीं करता सदका देता है तो उससे कुर्बानी का फरीज़ा अदा नहीं होगा तो लिहाजा कुर्बानी एक अलग चीज़ है सदका देना एक अलग चीज़ है तो आप किसी और से करवा लें किसी चैरिटी को जो कर रही हो उससे करवा लें ठीक है जी बाकी इशराक की नमाज में आप क्या नियत करेंगे भाई जब नमाज पढ़ते हैं ना देखें इंसान जब खड़ा होता है तो जब नियत बांध रहा होता है तो उस वक्त उसकी नियत होती है ना वो क्या पढ़ रहा है नफिल पढ़ रहा है सुन्नत पढ़ रहा है फ़र्ज पढ़ रहा है पढ़ क्या रहा है तो उस वक्त तो उसको पता होता है ना कि भाई मैं क्या पढ़ रहा हूँ तो जो वो उसको दिमाग में होता है ना कि मैं इशराक पढ़ रहा हूँ तो वही नीयत है उसकी ठीक है जी तो यही नीयत होती है कोई अलग से नीयत करने की ज़रूरत नहीं है फिर आपने कहा कि नफिल नमाज पढ़ कर जो हम इस साल ब करें तो अपने वालदेन को उसको उसका सवाब करें या तो उसमें सास ससुर भी शामिल हो जाते हैं तो देखें अगर आप ये कह दें कि भाई तमाम मोमिन मोमिनात और तमाम मरहूमिन को इसका सवाब हो तो उसमें तो आपके सास ससुर भी आ जाएंगे वालदे भी आ जाएंगे और रिश्तेदार अजीज वारिब भी आ जाएंगे ठीक है तो ये नीयत कर लिया करें बाकी नफिल पढ़ते हुए ये नीयत नहीं करनी कि मैं ये नफिल पढ़ रही हूँ और ये अपने वालदेन के लिए पढ़ रही हूँ ऐसा नहीं नफिल तो अल्लाह के लिए पढ़, इबादत जो है वो तो अल्लाह के लिए होती है और उसका जो सवाब होता है वो आप इस करते हैं ठीक है तो वो तो नफिल में तो वही नीयत होगी तो जो नमाज की नीयत होती है बाकी दुरुशी पढ़ने के लिए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं है बग़ैर वज़ू के भी दुरुशी का पढ़ा जा सकता है लेकिन अच्छा ये है कि भाई बावज़ू होकर दुरुशी पढ़ा जाए लेकिन एक इंसान अगर सवारी पे है कहीं सफ़र कर रहा है लेटा हुआ है बीमार है काम कर रहा है तो अब वो दुरुशी पढ़ना चाहता है उसका वज़ू नहीं है तो क्या वो दुरुशी पढ़ सकता है बिल्कुल पढ़ सकता है जी दुरुशी पढ़ने के लिए बावज़ु होना ज़रूरी नहीं है ठीक है दूसरा जो सुबह और शाम के जो असकार हैं देखें बाक़ी तो असकार पूरी अहदीस की किताबों में जो सुबह और शाम के असकार मौजूद हैं और बड़ी बड़ी दुआएं हैं लेकिन अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपकी एक जोजा जब आप निकले फ़जर के लिए वापस आए आप इशाक पढ़ के वापस आए तो देखा वो जहा नमाज़ पर बैठी हैं जब छोड़ के गए थे तो जहाँ नमाज पर बैठी थी तो वापस आए तो जहाँ नमाज पर थी तो आपने फरमाया कि इससे बेहतर था कि तुम इतनी देर बैठी तो तुम ये कलिमात अदा कर लेती सुबहानला वी हमदी ही आद अदा ख़लकी व ऱा नफसी वजीना तारशी व अम्मीदा कलीमा तो ये तुम्हारे सारे इस जो इसका सवाब जो है सबसे बढ़ जाता तो लिहाजा अब ये ज़िक्र अस्कार हैं देखें सुबह का ज़िक्र है अल्लाहुम्मा उन्ना वासबा मल्कबालमी अल्लाम नसल का ख़ैर हादल्यौम फ़तः वनस रहो वनू रह बरकत हो वन उस भी कमिन शर्माफ़ी व शर्माबादा हो इसी तरह शाम का है अमसैना वमसल मल्क रबालमी अल्लाम नसल का ख़ैरा उऊम फ़तः वनस रहो वनू रहो व उदा उबरकता व नाजुम शरमाफ़ी और शर्मा आबादाओ तो लिहाजा सुबह और शाम के असकार तो मौजूद हैं और अगर कम से कम अगर एक इंसान ये काम कर ले कि एक तस्वीर दुरुशीफ की एक तस्वीर जो है वह इसफ़ार की और एक तस्वीर जो है तीसरे कलमे की और एक तस्वीर जो है कलमा तैयबा की तो और शाम को ये चार तस्बीहत पढ़ लें सुबह ये चार तस्बीआत पढ़ लें तो इन शाला वो जाकिरीन में शामिल होगा और अल्लाह ताला उसको जाकिरीन में उसका शुमार करेंगे ठीक है तो बाक़ी सदक़े का गोश्त जो है वो दें गोश्त दें या बकरा दें अच्छा दोनों चीज़ें दे सकते हैं देखिए बकरा देना बकरा भी तो वो जिबा करके खाएगा ही ना बकरा भी जो है वो तो जिबा करके खाया ही जाएगा गोश्त भी आप दे सकते हैं बकरा भी दे सकते हैं आप खाना भी दे सकते हैं चावल गंदुम भी चीनी भी दे सकते हैं कपड़े भी दे सकते हैं पैसे भी दे सकते हैं ठीक है तो सवाब इन शदक़े का मिलेगा आपको और जिस नीत से आप सदका करेंगे अल्लाह ताला उस, आ, उस मकसद में कामयाबी भी अता फरमाएंगे इन मेरे भाई ने कहा है भाई कि भाई कि, इन्होंने कि किसी को देखा कि बड़े बड़े बाल रखते हैं लोग तो क्या ये बाल रखना जो है वो ठीक है अच्छा देखें उसको कहते हैं हज़ुर सलील्ह वसलम जो बाल रखा करते थे वो उनका साइज तीन तीन किस्म का होता था यानी उसको कहते हैं लम्मा जुम्मा वफरा लम्मा जो है कानों की लौ तक यानी कानों तक बाल होते थे और फिर जुम्मा जो है वो उससे नीचे गर्दन तक और वफरा जो है कंधों तक तो हज़ू अक्रम सला वसलम से ये तीनों किस्म के बाल रखना साबित है और हज के मौके पे आपने बाल कटवाए भी हैं आपने उस तरह भी फिरवाया है तो उस तरह फिरवाना भी साबित है बाल रखना सुन्नत है बाल रखना भी साबित है लंबे बाल कंदों तक रखना भी जो है वो सुन्नत है उसको पट्ठे कहा जाता है तो बिल्कुल रखना सुन्नत है आ, लेकिन हुजूर ने हजूर एशातरमाया मनकान अल उशार फल क्रम हो और जिस शख्स के पास भी जो है बाल हों तो उसको चाहिए कि उनका इकराम करें यानी उनका ख़्याल रखें ये ना हो कि भाई वो गंदे हो रहे हैं और नहा नहीं रहा और उस उसमें से स्मेल आ रही है तो ये नहीं बल्कि उनको जो है ख्याल रखना चाहिए दूसरा कुर्बानी का जो है के कुर्बानी जब करें तो क्या एक ही कुर्बानी में हम क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का का नाम ले सकते हैं या या जो है वो उसकी तरह उनकी रकम अच्छा देखें कुर्बानी की की जो रकम है वो तो आप नहीं दे सकते लेकिन आप मिसाल के तौर पर अगर आप पे कुर्बानी वाजिब है तो वो तो आपने कुर्बानी करनी होगी ठीक है और उसके अगेंस्ट में आप सदका नहीं कर सकते आजकल जो ये जो बात चल रही है ना कुर्बानी ना करें और पैसे दे दें तो ये बात ठीक नहीं है ठीक है बाकी जो नफली बात नफली जो कुर्बानी होती है वो अगर आपकी च्ईस है आप करना चाहें तो कर सकते हैं नहीं करना चाहें कहाँ करें उसकी जगह आप सदका कर दें और अक्रम सलील वसम की तरफ से जो क़ुरबानी की जाती है वो ये नहीं कि़ूर को ज़रूरत है हमारी कुर्बानी की बल्कि ये हम अक़ीदता और महब्बता करते हैं अल्लाह रब्ज़त हज़ूर अक्रम सल वसम की शान तो बहुत ऊँची है कि हमारी तरफ़ से ये अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार होता है और अल्लाह ताली उनको जजाय ख़ैर अतः फ़रमाए कि के में आपके तुफैल में तो ये सारी बरकतें हैं और अल्लाह ने हमें ये दीन दिया तो लिहाजा इस वजह से और सहाबा हज़ूर की तरफ़ से किया करते थे और हजूर भी हमेशा एक जानवर पूरी उम्म की तरफ़ से किया करते थे तो लिहाजा बिल्कुल हजूर का हक़ है अगर कोई शख्स जो है वो इस्तात रखता है अगर अल्लाह ने उसको खुशहाली दी है तो वो बिल्कुल कर सकता है और कुर्बानी का कहा कि जी अगर मैं एक बड़ा जानवर लूँ उसमें से अपनी तरफ़ से कर लूँ अपने दूसरे जो हैं उनकी तरफ़ से कर लूँ और एक हिस्सा जो है अपने बहन भाइयों की तरफ से कर लूँ तो ऐसा कर सकती हूँ मैं अच्छा देखें बहन भाइयों की तरफ से अजीज़ वकारी भी अपने बच्चों की तरफ से आप कर सकते हैं और अगर एक हिस्से में कई लोगों को शामिल करना चाहते हैं तो वो हिस्सा आप अल्लाह की तरफ़ से करें यानी अल्लाह के लिए होगा और उसके अंदर सवाब में उन सबको शामिल कर लें ठीक है जी दूसरा शौहर जो है वो पाकिस्तान में है पाँच साल से और हो चुकी है और वो तलाक नहीं देना चाहते और अब इनका उनके साथ गुजारा नहीं हो सकता अब ये निकाह ख़त्म करना चाहती हैं तो उसके लिए क्या सूरत हाल होगी अच्छा देखिए उसकी सूरत हाल तो यही है कि आप उनको खुला के लिए कहें कि भाई या तो वो आपको तलाक दे दें अगर वो तलाक नहीं देते तो आप खुला अप्लाई कर सकती हैं और यहाँ पे किसी शरिया कौंसल में चली जाएं और उनको कांटेक्ट करें वो जो है आपके शौहर को ख़त लिखेंगे और वो तीन ख़त लिखे जाते हैं जो तरीक़ेकार होता है और उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है वो जवाब देते हैं उनसे पूछा जाता है अगर वो खुला नहीं देते तो या तलाक नहीं देते या खुला डिकलेयर नहीं करते तो फिर फिर शरिया कौंसल बिहाफ पर यानी काजी जो है वो अब शौर के काय मकाम होकर क्योंकि उसको इख्तियार हासिल है उसने पूरी कोशिश कर ली कि भाई वो कॉन्टेक्ट करे और इस औरत को मालक ना छोड़े बेचारी ना निका नहीं कर सकती शादी नहीं कर सकती तो वो उसके ऊपर म हो रहा है तो फिर वो काय मकाम होकर निका को फंस कर देता है और फिर उसके बाद ये खातून इद्दत गुजारती हैं और इद्दत गुजारने के बाद ये निका कर सकती हैं और इनके पास फिर वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है कि कल को अगर वो शौहर आकर इन पर दावा कर दे कि भाई इन्होंने निकाह के ऊपर निकाह किया है अभी तो ये मेरे निकाह में थी ये दूसरा निकाह इनका वैलिड नहीं है या झगड़ा खड़ा हो तो इनके पास वो पूरा प्रूफ होना चाहिए ठीक है जी अल्लाह ताला अमल करने की अता फरमाए तो नेक्स्ट कॉल है तो कॉल ले लें वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम जी जी मैंने आपसे एक सवाल करना था जी जी मेरे हस्बैंड ना हजबैंड में रहते हैं तो उनके वीजे का कुछ नहीं हो रहा तो मुझे ना कोई पढ़ने के लिए अल्लाह ताला अपना नेक्स्ट कॉल लेते हैं सलाम जी है, जी फरमाए Um, most um I want you to basically ask is that basically, um my mom, right, she um she has like Davies on like you know, for a headache. And she wraps it, you know, she puts it on her head like every single day, like like she's been putting on for like ten, fifteen years now. Um now from what I've heard it's like, you know, it's you know, it's you know, a lot of guna for having Daviz on. Um and my mum doesn't believe me. So I don't know if it's true or if it's not. I mean

वाले साहब यार ठीक है बताया हजूल पाक ने वो आपने बताया दौरान उन्होंने तो बाल बड़े बड़े रखे होते हैं दाढ़ी जो है वो सुनत के मुताबिक नहीं रखी होती तो जो मुठ से छोटी दाढ़ी है हजूल पाक ने छोटी की है या फिर जो आदमी है छोटी दाढ़ी रखते है

बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जजाकमल्ला अच्छा तो एक तो जो है वो जो सवाल पूछा है कि जी शौहर डेनमार्क में हैं उनके वीज़े का मसला है अच्छा जी उसके लिए आप बनी इसराइल की आयत नंबर एटी वन और एटी एटी और एटी वन ये दो आयतें हैं इक्कीस मरतबा रोज़ाना आप भी पढ़ें आपके शोर भी पढ़ें और या जामय अल्लाह रब्ज़त का नाम है आप दोनों मियाँ बीवी तीन सौ तेरह दफ़ा पढ़ा करें इन देखें अल्लाह ताली अपना फ़ज़ल फ़रमाएंगे और अल्लाह ती ज़रूर अपना करम फरमाएँगे इन दूसरा मेरी बहन ने सवाल पूछा है कि उनकी वालदा ने तवीस पहनावा है क्या तावीज़ पहनना जायज़ है अच्छा देखें तावीज़ अगर जो, जो कुरानी आयात का हो और दुआओं का हो तो तावीज़ पहनना शरीय तौर तो पर जायज़ है अगर वो ऐसे कलीमत का हो कि जो कलीमत शरीयत के ख़िलाफ़ हों या ऐसे आदात का हो तो वो जायज़ नहीं है ठीक है लेकिन अगर कुरानी आयत और दुआओं का है तो तावीज़ पहना जा सकता है औरत को अगर तलाक हो जाए तो उसको सलासता करो तीन तोहर तक उसको इद्दत गुजारनी यानी उसके तीन रीस जो मंथली जो पीरियड्स होते हैं वो गुजर जाएँ यानी तीन महीने जब तीन करो गुज़र जाते हैं तो उसके बाद उसकी इद्दत हो जाती है लिबा ये तीन महीने बनते हैं ठीक है और दाढ़ी जो है बिल्कुल आ, बाल मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अगर किसी शख्स ने सुन्नत के मुताबिक बाल रखे हैं और दाढ़ी अगर उसकी सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो इसका मतलब तो ये है कि फिर उसने अपने नफ्स पर अमल किया शरीयत पे अमल नहीं किया तो ठीक है दाढ़ी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत लंबे बाल रखने के ठीक है तो वो क्योंकि सुन्नत है दाढ़ी रखना वाजिब है तो लिहाजा दाढ़ी रखें और दाढ़ी रखें दाढ़ी ना कटवाएं और बाल रखना तो सुन्नत है, हैं तो ठीक है नहीं है तो कोई हर्ज की बात नहीं है और बच्चों के लिए कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है जी बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं अगर करना चाहे तो कर सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है नाज़िन ब्रेक की तरफ जाना है ब्रेक के बाद असलम वरह बिसमक्रम् वर्का नाजर आपके तो फिर प्रोग्राम गुफ्तु के अंदर खुश आमदेद करता हूँ और नाज़िर ज़िलक़ादा का महीना चल रहा है बिल्कुल उसका अख्ताम है और थोड़े अरसे में लहज़ा का महीना शुरू हो जाएगा इस दफ़ा थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है यकीनी तौर पर वह हजरात जिन्होंने इरादे किए थे जिन्होंने नीयत की थी हज पे जाने की वो हजरात हज पे नहीं जा सके तो इन ताला उनको ज़रूर सवाब अता फ़रमाएंगे क्योंकि अमाल का दारदार तो नीयत के ऊपर होता है और माशाला उनकी नीयत अच्छी थी हज की नीयत थी तो ज़रूर अल्लाह अपना फ़ल फ़रमाएंगे देखें बहुत सारे लोगों ने पैसे दे दिए थे पाकिस्तान में तो बुकिंग करवा दी थी कुरानदाज़ी होती है वहाँ उनके नाम निकलवाए आ गए थे यहाँ पर भी लोगों ने बुकिंग करवा दी थी तो आप इस पे भी देखें कोई खैर होगी अल्लाह ताला अपना फ़लल फरमाए इन तो अगले साल खैर आफ़ियत रहेगी तो ज़रूर आप हजरात जिन्होंने इरादा किया था वो हज करने ज़रूर जाएंगे तो हर काम में कोई ना कोई खैर ही होती है और इसमें भी कोई बेहतरी होगी तो बाकी नाजरन अल्लाह ताली मुझे भी तोफ़ी का ता फ़रमाए हम सब को तोफी काता फ़रमाए और देखते हैं हमारा कॉलर कौन है अलैक्म

जी मुफ्ती साहब देख से पहले जो आपने एक सवाल के जवाब में एक जी हदीस पाक का मफहम बयान किया था कि जिसमें सुबह की नमाज के हवाले से कलमात बयान किए कि सुबहान दल ये वाले तो इसमें आपने फरमाया है कि जैसे प्यारे आगर सल्लम ने फरमाया कि अगर आप ये जी मतलब जी कल अदा कर तो यही यही काफ़ी थे तो अगर इस हदीस पाक पे कयास करते हुए अगर हम हर जी इबादत के बाद ये जी कलम अदा कर दें तो उसका क्या हुक्म होगा अच्छा नहीं वो ख़ास उस पर था कि जो हजूर की जोजा हैं वो काफ़ी देर तक बैठी इबादत करती रही ना यानी हजूर चले गए पहले तजुद पड़ी होगी हजूर ने घर में फिर आप फजर के लिए गए फजर के बाद आप बैठे रहते थे दुआ करते थे बयान करते थे इशराक पड़ी इशराक के बाद कहीं घर आए तो उस पर उन्होंने कहा तो ये नहीं है कि ये हर नमाज के बाद बल्कि इसलिए ने कहा है कि भाई ये कलिमात अगर हम सुबह के वक्त में पढ़ लें ठीक है जी तो ख़वातीन के लिए तो वैसे ही रिलैक्सेशन है और अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल फरमाए तो ये तो हुजूर की मोहब्बत थी और हुजूर ने ये पैगाम दिया कि भाई ये, ये ये कलिमात इतने ताकतवर हैं ठीक है जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का जजाकमल्ला नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी अस्सलाम अलकुम हलो जी अलकुम जी 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 हजरत बात यह है दुनिया में तकरीबन मैंने मुसलमान और जात के बारे में थोड़ी सी बात करनी है अवजात आप खुद पेश करेंगे जो भी आप करेंगे बात ये है कि तकरीबन छप्पन के करीब दुनिया में मुसलमान मुल्क है इसमें अमीर मुल्क भी हैं और मुतवास भी हैं और अपने मुल्क की मिसाल देंगे कि बांग्लादेश बन गया तिरानवे हजार आदमी फौजी बवंजा हजार और दूसरे कैद भी हो गए और सारी चीज जो है उन्होंने बस एक तरफ रख दी गारतानी खत्म होगी और उसके बाद कश्मीर का आपकी जमीन पर आपका हक हाँ जो है लोगों ने मारा हुआ है नबी करीम वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं कम अज कम पाँच सात दस लोगों को साथ लेकर अल्लाह के रास्ते में जाद के लिए जाऊँ अल्लाह के रास्ते में शहीद हूँ फिर जिंदा किया जाऊँ फिर शहीद हूँ फिर जिंदा किया जाऊँ ये आप सारी बात जानते ही हैं। तो हम मुसलमान जो हैं, वो दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद मेरी नजर में जो हमने जाद का जो चैप्टर है उस पर बिल्कुल उसको बंद किया हुआ है और मजहरू और मजम्मत और जो यानी शिकायतें हैं दाम है कि दुनिया आए हमें ये काम करा के दे इतनी बड़ी फौज रखने तो क्या वजह है मेरी नजर में तो जो हमने अपना हक लेने के लिए भी जाट का चैप्टर बंद किया हुआ है इस वजह से जिल्लत हमारे गले में पड़ी हुई ठीक है जी ठीक है बहुत शुक्रिया नेक्स्ट कॉल लेते हैं असलामेकुम वाले जी जी फरमाए कैसे हैं मालिका आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी अल्लाह साहब हमारा ये मसला है कि हमारा बच्चा काफी शादी के काफी लेट हुआ और एक बेटा है माशाल्लाह वो 20 बीस साल का हो गया तो वो उसे मेरा अटैचमेंट बहुत ज्यादा है मैं लेटी हुई भी, भी होती हूँ मेरे पास आके लेट जाता है कभी गले लग जाएगा तो अब मैं उसको इतना समझाती हूँ कि ये सब गलत है अब तुम जवान हो हो गए तो वो, वो काफी माइंड करता है है तो मुझे वो डर लगता है कि इसका गुनाह उसको मिलेगा अच्छा मुझे बताएं कि आप ऐसा क्यों सोच रही है कि अगर एक बेटा अपने माँ से प्यार करता है या उसके गले लगता है या माँ अपने बेटे को प्यार करती है तो नहीं लेट सकता नहीं सो, है? गले लग सकता क्या मैंने ये सुना है कि एक जवान बेटा अपनी माँ के पास नहीं लेट सकता और तो तो हाँ। ले मुझे छप्पी देने लगा या मुझसे मुझे क्या करने लगा तो मुझे डर लगता है की ये तो जवान इस तरह कर रहा है तो मुझे गुनाह मिलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है मेरी बहन ऐसा नहीं है आप ऐसा ना सोचे जो शरीयत के अंदर है वो अलग सोने का हुक्म है और जवान है आपका बेटा है आपने जैसे अर्ज़ किया कि इकलौता बेटा है कई सालों बाद हुआ है आपका आपका जिगर का टुकड़ा है वो और आप हरगिज़ ऐसा ना सोचें अगर आपको खौफ है कोई कि भाई होता है ना कि भाई आपको कोई खौफ है कहाँ जहाँ पे फितने का खौफ हो वहाँ तो है लेकिन मेरी बहन ऐसा 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 होता नहीं है ठीक है अल्लाह ताला जो है वो आ, अब अगर आपका वो बेटा है और आप अपने बेटे को अच्छी तरह समझती हैं तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है अगर तो आपको लगता है लेकिन कुछ लोग होते हैं वहमी होते हैं कुछ लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं तो अभी आपने इतने लाड प्यार से उसको पाला है तो बेटे का अपनी माँ के गले लगना माँ को प्यार करना या माँ का अपने बेटे को प्यार करना आ, बाप का अपनी बेटी को प्यार करना माथा चूमना हज़रत हजूर अक्रम सल्हल् हजर फातमत ज़हरा रजी अल्लाह तहाँ का माथा चूमते थे आपका हाथ पकड़ते थे आपको अपने गले लगाते थे तो ये तो अब इस पर मैं क्या बात करूँ तो आप ये तो आप समझती हैं ना आपको लगता है ऐसा है मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा ऐसा होगा देखिए हम अपनी माँ के सीने से लगते थे गले से लगते थे उनके साथ लाड करते थे प्यार करते थे और उनके पाँव दबाते थे हम सारे बहन भाई हमारी वालदा लेटी होती थी हम उनके ऊपर चढ़ जाते थे उनको दबाते थे उनके साथ तो उस वक्त तो हमारे तो जहनों में भी कहीं नहीं होता था और जो सुकून और जो राहत माँ के सीने से लग के मिलती है वो तो कहीं पे नहीं मिल सकती ना माँ की गोद से इंसान अपनी माँ के वजूद से आया होता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये आप थोड़ा सा ख्याल रख लें लेकिन इतना ज़्यादा भी ना हो कि वो बच्चा डिटर्ब हो जाए ठीक है या आप डिस्टर्ब हों मैं शरीयत का मसला है वो ठीक है अगर आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता ऐसा है कि कहीं फितने के अंदर मुबतला हो जाने का खौफ हो आपको या आपके बेटे को आप आप कह रही ना तो बेटा बीस साल का है तो आपकी उम्र तो ज़्यादा होगी और फिर हुआ भी देर से है तो हर सी बात है और भी आपकी उम्र बड़ी होगी तो लेकिन बस शैतान के पास बड़े हरबे होते हैं देखिए शैतान के पास बड़े रास्ते हैं तो उसका रास्ता रोकें और ऐसा हरगिज़ ना सोचें ठीक है ये ख्याल भी आए तो इस ख्याल को भी फासिद ख्याल है तो मैं नहीं समझता हाँ अगर लगता है कि नहीं भाई ये तो कोई खौफ है कोई फितने का तो फिर जरूर जो है वो फिर एहतियात की जाए ठीक है जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं असलाकुम अलिकुम वाले अलहदुल्ला ठीक हूँ जी अल्लाह करम शुक्र अल्लाह का जी मैंने ये पूछना था कि ये जो सूरह तोबा है इसमें ये बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती है लेकिन मेरी ये आदत है जब भी कोई नई सूरत पढ़ती हूँ तो मैं हूँ लेकिन इससे मुझे गुना तो नहीं होगा गुना नहीं होता कोई ये नहीं है कि जी, कोई पढ़ ले तो गुना होगा ऐसा नहीं है ठीक है बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जजाकुम नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी अलैक् वाली जी, जी। आप ठीक हाँ हूँ आप खैरियत से ठीक है थोड़ा सा पूछना था बहारत के बारे में के मतलब ये है कि कुम्बोर पे बैठ के मतलब मसला मेरा ये है कि मुझे ना है मेरा पाक हो अभी वो भी मैं बे की पाप हूँ तो मुझे ये लगता है कि बार दफा ये फर के बाद लोहर तक मैं एक दो दफा जब जाती हूँ तो मैं कि मैं मतलब कपड़े वैसे वैस पहन ले साफ आफ करके वाइप्स वाटर वाइफ से भी कर लेती हूँ लेकिन फिर भी मेरा वह नहीं जाता फिर तो मैं जब तक दोबारा धो ना लूँ फिर मैं दौर नहीं पड़ती आगे तो मेरा बहुत घंटा चलें ठीक है मैं बताता हूँ आपको ठीक है अच्छा जी दुआ भी करनी है अच्छा जी एक तो ये है कि जो शबीर नक्शबंदी साहब ने कहा है देखें इस वक्त तो ये सूरत हाल है कि पहले तो जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है ना इसको तो आप हज़रा समझने की कोशिश करें कि भाई ये जो भी सूरत हाल होगी ये स्टेट का काम है रियासत का काम है ये आवाम का काम नहीं है इंडिविजुअल्स का काम नहीं है और ये लश्कर बनाना और जमातें बनाना और बग़ैर स्टेट के ये उनका काम नहीं है ये रियासत का काम है रियासत ही करेगी और रियासत ही ऐलान करेगी बाकी हमने देख लिया कि जिहाद के नाम पे क्या कुछ हुआ है पूरी दुनिया में तो लिहाजा अब हिकमत आमली का जिहाद किया जाए जा इस वक्त और वह हमत आमली क्या है भाई अपने आप को देखें हर लेवल पे तैयार किया जाए हाँ यकीनी तौर तो पे जब कोई आदमी आपके घर में घुसता है आपको आपको पूरा हक़ हाँ है अपने दिफा का और आप दिफा करें उस वक्त बुजली ना करें उस वक्त बुजली दिखाएंगे तो फिर तो गैरत ईमानी के ख़िलाफ़ है तो ये तो हमारे अब हुक्मरानों का काम है ना जी कि अल्लाह ताला उनको ग़ैरत ईमानी अथा फ़रमाए और नापाक वहम देखें वहम की बीमारी बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है जिन हजरात को हो जाए तो बड़े बेचारे उन पर मुझे तरस आता है उसका इलाज एक ही है कुत इरादी के साथ आप बस ये दिमाग में बिठा लें कि आप पाक हैं एक ही दफ़ा इस्तंजा करें उसके अलावा आप सोचें मत शैतान क्या ये लग गया वो लग गया बोले कोई बात नहीं लग रहा है लगने दो अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा अल्लाह ताला तला रहीम है और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 97 98 है वो आप तिलावत किया करें सूरह मोमिनून आयत नंबर नाइन्टी सेवन रोज़ाना इक्कीस मरतबा इन शाला देखें ये वसफ़ और वहम की बीमारी आपकी दूर हो जाएगी दादी हमारे दोस्त हैं अदनान रशीद साहब कराची में होते हैं उनके वालद साहब हैं सरदार रशीद साहब बहुत सख्त बीमार हैं और उन्होंने स्पेशल गुजारिश की है कि भाई वो हॉस्पिटल हैं कोरोना वायरस हो चुका है उनको उनके लिए दुआ करें अल्लाह उनको सहरता फरमाए इसी तरह से हमारे कई दोस्त अहबाब बीमार हैं उन सब के लिए दुआ करनी है और जो हज़रा इंतकाल कर चुके और उनके लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ती उन सब की जो है वो मग़रत फ़रमाए अल्लाह ताला सब के दर्जात को बुलंद फरमाए हमारे दोस्त है उसकी वालदा का इंतकाल हो गया एक दोस्त है उनके अपना खाला का इंतकाल हो गया और मेरे जो ये जो जुमा है इस जुमे को जुमरात की रात को मेरे जो है वो ख़ालू का इंतकाल हो गया मेरे एक ही खला हैं उनके शौर थे मेरे खालू बड़े अच्छे इंसान थे जेलम में ही रहते थे झेलम के पास एक गाँव है चक महमदे वहाँ पे रहते थे बड़े अच्छे नफीस इंसान थे आ, उनका इंतकाल हो गया उनके लिए भी ज़रूर दुआ करनी है ठीक है जी सुबह अल्लाह ही व भी हमदी ही सुबह नमदी का नशद अला तस्त फिर वनतिल

اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار اللهم, اللهم في الحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانساننا اللهم من احييته منا فاحيه الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان يا الله يا رحمان ربنا في لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا اننا نكرو فرحيم يا إله करम का फजल का मामला फरमा या हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार इंतकाल कर चुके है अल्लाह तो उनकी मफफ़िरत फरमा या खास तौर पर मेरे खालू अरशद साहब उनका इंतकाल हो गया अल्लाह तो उनकी मकफिरत फरमा उनको जन्नतोस के आला मरात बता फर्मा उनकी कबल को नूर से भर दे और या जितने मरहुमीन है सबके घर वालों को सबर जमील अता फरमा बेहतरीन बदल अरमा दो अहबाब बीमार हैं जिनके वाले बीमार हैं अजीज वारिब बीमार हैं या अल्लाहत तो कामला दाइमा आजिला अता या तो सब की परेशानियों को दूर फरमा या अल्लाहम का करम का फजल का मामला फरमा या अल्लाह हम बड़े गुनागार हैं खताकार हैं सियाकार हैं या अल्लाह तो हम, तो हम सब पर अपने खसूशी करम का मामला फरमा या अल्लाह हमारे बच्चों बच्चियों की दीन ईमान इज्जत आबरू की फ़ात फरमा हमारे खानदान की फ़ात फरमा हमारी माल दौलत की असबाब की फात फरमा खैर और बरकत अता फरमा या अल्लाह तू हम सब पर अपने खसूसी करम का मामला फरमा या अल्लाह इस वक्त जो हमारे दोस्त अहबाब इस दुआ में शामिल हैं और या अल्लाह जिनके जो जो मसाइल हैं या अल्लाह तू महज अपने फजलो करम से उनको हल फरमा आलम इस्लाम की फात फरमा मुसलमानों की फात फरमा बिलाद इस्लामिया की फ़ात फरमा हरमैन शरीफ की फात फरमा मजीद अक्सा की फात फरमा या तमाम दुनिया के मुसलमानों की मदद फरमा या जो neckad, मांगा वो भी फरमा जो नहीं मांग सके वो भी अता फ़रमा हमारी दुआओं को महज अपने फजल से कबूल फर्मा रबना तबल मना इन्ना कांताली कांता तबाबर तैर खल से महम्मद वाला जुमे को इनशा आप हजरात से मुलाकात होगी साढ़े सात बजे उमा चैरिटी इंटरनेशनल की कुर्बानी अपील है उसमें आप हजरा ज़रूर शामिल होइएगा इंशाल्लाह जुमे को मुलाकात होगी अरम वर्क